तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीप, आप सभी को फिर से हमारे छोटे से YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले फिर से आपके लिए टैक्स रिलेटेड ब्रांड न्यू अपडेट व इन्फॉर्मेशन के बारे में। जैसे दोस्तों आप सभी मैं आपके लिए टैक्स रिलेटेड छोटी छोटी अपडेट व इन्फॉर्मेशन से लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों आप सभी को पता है कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि अगर आप ब्रांड न्यू लैपटॉप परचेज करना चाहते हैं या फिर आप ब्रांड न्यू प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके लिए सबसे बेस्ट ऑफर अभी चल रहे हैं, जिसमें दोस्तों अगर मैं आज लैपटॉप के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर वहां से आप लैपटॉप परचेज करना चाहते हो तो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने खुद देखा था कि 62,000 का लैपटॉप आपको सिर्फ 53,000 के अंदर मिल रहा है, जिसमें दोस्तों यहाँ पे अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड HDFC का भी है तो यहाँ पे आप फ्लिपकार्ट से 47,000 का लैपटॉप सिर्फ 40,000 या 42,000 के अंदर परचेज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आज हम बात करने वाले, अगर आपके पास कोई भी पुराना लैपटॉप और PC और यहाँ पे अगर आप उसकी 10 गुना स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पे उसके बारे में कंप्लीटली बात करने वाले हूँ। जैसे कि दोस्तों अगर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक लैपटॉप है और दोस्तों यहाँ पे अब ये काफी हाई स्पीड के अंदर वर्क करता है। जैसे कि दोस्तों अगर मैं बात करूँ, ये पहले काफी स्लो वर्क करता था, दोस्तों यहाँ पे इसके अंदर पुरानी हार्ड डिस्क होने के कारण ये धीरे धीरे हैंग करना शुरू हो जाता था और साथ में दोस्तों यहाँ पे इसके अंदर मुझे विंडोज 7 चलानी पड़ती थी। और दोस्तों यहाँ पे आप सभी को पता है कि विंडोज 7 के अंदर आपको एक एक या फिर आपको अलग अलग ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है और साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको उसको इंस्टॉल करने के लिए कम से कम 4 से 5 GB की जरूरत पड़ती है अगर आपको सभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे इसके अंदर मैं विंडो 10 चलाने की कोशिश करता जो कि i3 5th generation से, तो इसके अंदर विंडो 10 के बाद ये काफी हैंग हो जाता था और इसको मुझे रिस्टार्ट करना पड़ता था और यहाँ पे गूगल क्रोम बिल्कुल भी वर्क नहीं करता था, ना ही मैं इसके अंदर कोई भी वीडियो अपलोड कर पाता था। लेकिन दोस्तों अगर आप इसकी 10 गुना स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पे मैं आपको इसके बारे में कंप्लीटली जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आपके दोस्त के पास कोई भी i3 या फिर i5 1st generation 2nd generation या फिर आपके पास ड्यूल कोर लैपटॉप है तो उसको किस तरीके से अच्छे तरीके से वर्क कर पाएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपका जो लैपटॉप है 2011 से 15 के बीच का अभी भी होगा और साथ में दोस्तों यहाँ पे आप उससे अच्छा वर्क करना चाहते हैं या ऑनलाइन क्लासे लगाना चाहते हैं या फिर आप उसके अंदर वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक लैपटॉप की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे इसके अंदर पहले हार्ड डिस्क थी HDD, जिसमें दोस्तों आप सभी को इसके अंदर CD की तरह डाटा सेव होता है। दोस्तों यहाँ पे एक मैग्नेटिक के अंदर डाटा सेव होता है, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पे जब आप इस लैपटॉप के अंदर कोई भी थोड़ी सी वीडियो अपलोड करते हैं या फिर आप इंटरनेट यूज करते हो यहाँ पे काफी हाई लेवल में वाइब्रेशन करना शुरू कर देता है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आपके पास कोई भूकंप आ गया हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है कि अपने लैपटॉप के अंदर हार्ड डिस्क को निकाल देना जो कि HDD है और साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है कि किसी भी दुकानदार से, Amazon से, Flipkart से, कहीं से भी आपको SSD आपको परचेज कर लेनी है। परचेज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको उसके अंदर इंस्टॉल करवानी है। अगर दोस्तों यहाँ पे आप खुद इंस्टॉल कर सकते तो काफी अच्छी बात है, अगर इंस्टॉल करने नहीं आते तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि किसी भी दुकानदार के पास जाना है। यहाँ पे आपको कम से कम 256 GB की जो हार्ड डिस्क है आपको 1400-1500 रुपए के आसपास पड़ जाएगी। दोस्तों यहाँ पे आपको उसे परचेज करना है या उसके अंदर इंस्टॉल करवानी है, जिसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो इंटरनेट है काफी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे मैंने जो हार्ड डिस्क थी पहले वाली उसको मैंने एक केस परचेज कर लिया, दोस्तों यहाँ पे उसके अंदर मैंने इसको डाल लिया। दोस्तों यहाँ पे अब ये जो 500 GB की हार्ड डिस्क है इसको मैंने डाटा सेव के लिए रख लिया है। साथ में दोस्तों अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे इससे आपको काफी नुकसान होता था क्योंकि विंडो बार बार लैग करती थी, लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अब मैं लेटेस्ट वर्जन विंडो 10 का यूज कर रहा हूँ और दोस्तों यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मुझे कोई भी परेशानी नहीं होती अब वर्क करने में। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे अगर आपके लैपटॉप के अंदर HDD लगी हुई है तो यहाँ पे आपका लैपटॉप काफी तेजी से वाइब्रेशन करना शुरू कर देता है, जिसका मेन कारण है कि यहाँ पे उस पर काफी दबाव पड़ता है। दोस्तों यहाँ पे डेटा स्टोर होने में काफी टाइम लगता है। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो SSD होती है वो आपकी मेमोरी कार्ड की तरह होती है, वो फ्लैश होती है, जिसमें दोस्तों यहाँ पे काफी फास्ट वर्क करती है और दोस्तों यहाँ पे इससे काफी अच्छी होती है। इसे आपकी जो हार्ड डिस्क है उस पर बिल्कुल भी
प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरी बात अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको जो लैपटॉप जब इसे रीस्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे जो एचडीडी है उसके अंदर आपका काफी टाइम लग जाता है, लेकिन एसएसडी के अंदर आपको सिर्फ 30 सेकंड के अंदर आपका जो लैपटॉप है या आपके पास पीसी वो ऑन हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आप 2011 से लेकर 15 या 16 17 के आसपास की जो हार्ड डिस्क डली हुई है, जो काफी पुरानी हार्ड डिस्क है जिसके कारण आपका लैपटॉप थोड़ा सा वर्क स्लो करता था, तो यहाँ पे आपको एसएसडी अपग्रेड कर लेनी है। अगर आपके लैपटॉप के अंदर 2GB की रैम है तो यहाँ पे आप एक्सटेंड करवाकर उसके अंदर 4GB की रैम करवा लीजिए, कोई ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, जिसके कारण यहाँ पे आपका लैपटॉप काफी अच्छा बूस्ट करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं या फिर मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। तो यहाँ पे मैं आपको हर एक चीज की अपडेट धीरे धीरे अपने YouTube चैनल पर देता रहूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको छोटी सी अपडेट इन्फॉर्मेशन काफी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। मैं आपके लिए ऐसी अपडेट इन्फॉर्मेशन से लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में। ओके बाय, टाटा।